अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। आइए हजरात, मैं एजाजुद्दीन एजाज फैजी टोंक राजस्थान से जन सरोकार मंच के प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जन सरोकार मंच और उसकी पूरी टीम और देवेंद्र जोशी साहब, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पर लाइव लाकर अपनी शायरी सुनाने का मौका दिया। मैं एजाज फैजी अपना मुख्तसर तारुफ कराता चलूं। मेरा ताल्लुक कैफ ख़ानदान से है, जो कि एक अदबी घराना है, इसलिए मुझे बचपन से शायरी का शौक़ रहा, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग पारस टोंकी, जो कि एक अच्छे अदीब और बेहतरीन नक़ाद हैं, ने मेरी शायरी की लगन को देखकर शायरी का फ़न और उसकी बारीकियां सीखने के लिए टोंक के मशहूर उस्ताद जनाब साहबजादा अब्दुल कवी साहब फैजी टोंकी का मुझे शागिर्द बनवा दिया। मेरा ये शायरी का सफ़र जारी है। आइए दोस्तों, शायरी के इसी सफ़र में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चार मिसरों से अपनी शायरी की शुरुआत करता हूँ। समाअत फरमाइए। अल्लाह ने जिसको सहे अबरार किया है, अल्लाह ने जिसको सहे अबरार किया है, महबूब खुदा है वही, महबूब खुदा है, महबूब खुदा है वही, महबूब खुदा है। अल्लाह ने जिसको सहे सरकार दो आलम की सरकार दो आलम की उड़ा लाई है खुशबू, इतराई हुई आज बहुत बाद सबा है, इतराई हुई आज बहुत को सहे। एक कथा समाप्त फरमाएं। पर्दा चेहरे से ये बातिल का उठा देता है, पर्दा चेहरे से ये बातिल का उठा देता है, हक इंसाफ की ये राह दिखा देता है, हक को इंसाफ की ये राह दिखा देता है और साफ करता है जहालत की कसाफत दिल से, साफ करता है जहालत की कसाफत दिल से,
इल्म इंसान को आईना बना देता है, इल्म इंसान को आईना बना देता है। फजल का मतला समाप्त फरमाएं। फिर नजर उनसे मिल गई है आज, फिर नजर उनसे मिल गई है आज, फिर नजर फिर से मगरूर जिंदगी है आज, जिस तरफ देखो उनके जलवे हैं, जिस तरफ देखो उनके जल शेर देखें।
के कल रोए कहीं ऐसा न हो के कल रोए मुझ पे दुनिया जो हंस रही है आज मुझ पे दुनिया जो हंस रही है आज फिर नजरों से मिल गई है आज। मक्ता समाप्त है आशियाने की खैर हो बर्क पे हम चमक रही है आज बर्क पे हम चमक रही है आज फिर नजरों से मिल अभी आपने गजल समाप्त फरमाई। अब एक गजल के चंद अशआर समाप्त फरमाए। जब कहीं दर्द का अफसाना बयां होता है जब कहीं दर्द का अफसाना बयां होता है मुझको अपने ही फसाने का गुमान होता है मुझको अपने ही फसाने का गुमान होता है और दिन मुसीबत के गुजरते हैं बड़ी मुश्किल से दिन मुसीबत के गुजरते हैं बड़ी मुश्किल से हमको लम्हों पे भी सदियों का गुमान होता है हमको लम्हों पे भी सदियों का गुमान होता है। और मक्ता देखें कि मुझसे इस रंग से मिलते हैं ये अपने एजाज मुझसे इस रंग से मिलते हैं ये अपने एजाज मुझको अपनों पे भी गैरों का गुमान होता है मुझको अपनों पे भी गैरों का गुमान होता है। अब गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। किस दर्ज मोहब्बत की गमगीन कहानी है किस दर्जा मोहब्बत की गमगीन कहानी है गमगीन कहानी है एक तुम ही न पहचाने दुनिया मुझे जानी है एक तू ही न पहचाने दुनिया मुझे जानी है किस दर्ज मोहब्बत की। मक्ता समात वो मतला समात फरमाया आपने इस शेर को खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। मैं खाने में पहुंचे तो साकी ने कहा हमसे मैं खाने में पहुंचे तो साकी ने कहा हमसे साकी ने कहा हमसे पैमाने ही बदले हैं
महफिल तो पुरानी है, पैमाने ही बदले हैं। महफिल तो पुरानी है, किस दर्द मोहब्बत की बख्शी है मोहब्बत ते, जो इशरत गम तूने बख्शी है मोहब्बत से, जो इशरत गम तूने, जो इशरत गम तूने दिल से नहीं निकलेगी, ये तेरी निशानी है। दिल से नहीं निकलेगी, ये तेरी निशानी है, किस दर्द मोहब्बत की। मैं खूब समझता हूँ, मुझ तक वो ना आएंगे। मैं खूब समझता हूँ, मुझ तक वो ना आएंगे, मुझ तक वो ना आएंगे, खुद अपने ही दामन से ये शमा बुझानी है। खुद अपने ही दामन से ये शमा बुझानी है, किस दर्द मोहब्बत की। पुरनूर सतारे हैं, पुर नजारे हैं, पुर लुत्फ पुर नूर सतारे हैं, पुर लुत्फ नजारे हैं। ऐसे में चले आओ, क्या रात सुहानी है। चले आओ, क्या रात सुहानी है, किस दर्द मोहब्बत की। क्या जानिए क्या होगा अंजाम दिले मस्ती की। पुर भरपूर जवानी है, उस पे कर मस्ती की भरपूर, उस पे कर मस्ती की भर मुझको रुसवाई मोहब्बत में, एजाज मिली मुझको, एजाज मिली मुझको, दुनिया की इनायत है और उनकी निशानी है, दुनिया
की इनायत है और उनकी निशानी है। किस दर्द मोहब्बत की। अभी आपने गजल समाप्त फरमाई, अब गजल के चंद अशार समाप्त फरमाइए। तेरे दीवाने जिधर थे सब उधर देखा किए, तेरे दीवाने जिधर थे सब उधर देखा किए, तेरे दीवाने मगर तेरी नजर देखा किए, तेरे दीवाने मगर तेरी नजर देखा किए, और शाम गम में भी उम्मीदों की सहर देखा किए, शाम गम में भी उम्मीदों की सहर देखा किए, इंतजारे जिंदगी हम उम्र भर देखा किए, इंतजारे जिंदगी हम उम्र भर देखा किए, तेरे दीवाने जिधर थे सब उधर देखा किए। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे, बीमार मोहब्बत को कोई होश में ला दे, बीमार मोहब्बत को कोई होश में ला दे, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे, ले जाए अंधेरों की तरफ जिसका उजाला, ले जाए अंधेरों की तरफ जिसका उजाला, उस शमे फरोजा को कोई काश बुझा दे, उस शमे फरोजा को कोई काश बुझा दे। और शेर समाप्त फरमाए, खास तौर से तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी बुलंदी पे जो हो जाते हैं मगरूर, थोड़ी सी बुलंदी पे जो हो जाते हैं मगरूर, उनको भी कोई डूबते सूरज को दिखा दे, थोड़ी सी बुलंदी पे जो हो जाते हैं मगरूर, उनको भी कोई डूबते सूरज को दिखा दे, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे। शेर समाप्त फरमाइएगा, आपस में मोहब्बत के सिवा कुछ न हो बाकी, आपस में मोहब्बत के सिवा कुछ न हो बाकी, नफरत की ये दीवार अगर कोई गिरा दे, नफरत की ये दीवार अगर कोई गिरा दे, आपस में मोहब्बत के सिवा कुछ न हो बाकी, नफरत की ये दीवार अगर कोई गिरा दे। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, परवरदा कोई सांप कभी डस नहीं सकता, परवरदा कोई सांप
कभी डस नहीं सकता जब तक कि न इंसान से मजबूर बना दे, जब तक कि न इंसान से मजबूर बना दे, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे, बाहम रहे मिलजुल के यहाँ शेखो बिरहमन, बाहम रहे मिलजुल के यहाँ शेखो बिरहमन, पैगाम मोहब्बत का ये एजाज सुना दे, पैगाम मोहब्बत का ये एजाज सुना दे, सुनता ही नहीं चाहे कोई कितनी सदा दे। गजल का मतलब समाप्त फरमाए। खत्म कब होंगी तन्हाइयां, खत्म कब होंगी तन्हाइयां, हम कहां और तुम हो कहां, हम कहां और तुम हो कहां, बज़्म में ऐशो तरब थी जहां, बज़्म में ऐशो तरब थी जहां, खाक उड़ने लगी अब वहां, खाक उड़ने लगी अब वहां। और शेर देखें, राहे उल्फत में चलते रहो, राहे उल्फत में चलते रहो, इसकी मंजिल न कोई निशान, इसकी मंजिल न कोई निशान, ये कभी खत्म होती नहीं, ये कभी खत्म होती नहीं, इश्क की है अजब दास्तां, इश्क की है अजब दास्तां। और खास तौर से तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर कि सारी दुनिया है दुश्मन तो क्या, सारी दुनिया है दुश्मन तो क्या, आप हो जाए बस मेहरबान, आप हो जाए बस मेहरबान, सारी दुनिया है दुश्मन तो क्या, सारी दुनिया है दुश्मन तो क्या, आप हो जाए बस मेहरबान, आप हो जाए बस मेहरबान। और उम्र गुजरी है चलते हुए, उम्र गुजरी है चलते हुए, उम्र गुजरी है चलते हुए,
फरमाए कि तुम ही एजाज गुम हो गए, तुम ही एजाज गुम हो गए, वरना चलता रहा कारवां, वरना चलता रहा कारवां, खत्म कब होंगी तन्हाइयां। और आखिर में मैं फिर इस मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मंच पर बुलाया और लाइव पढ़ने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलामुअलैकुम।